महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने प्रवर्तन निदेशालय को यह बताकर उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं कि वह उनके पास अवैध तरीके से ट्रांसफर व पोस्टिंग के लिए अपने निजी सचिव के जरिए पुलिस अधिकारियों की सूची भेजते थे, जिसे मानना उनके लिए बाध्यता होती थी। अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में पहले से ईडी और सीबीआई के निशाने पर हैं। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर रखा है। अब पूर्व मुख्य सचिव के खुलासे के बाद देशमुख को जमानत मिलने के आसार और कम हो गए हैं। कुंटे ने पिछले साल 7 दिसंबर को ईडी को पूछताछ में बताया है कि गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख के पास ट्रांसफर व पोस्टिंग के लिए पुलिस अधिकारियों की सूची भिजवाया करते थे। यह सूची देशमुख के निजी सचिव संजीव पलाणे लेकर आते थे। तब अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे सीताराम कुंटे यह सूची पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के सदस्यों को मौखिक रूप से पढ़कर सुना देते थे और उनके अनुसार ही अधिकारियों की ट्रांसफर व पोस्टिंग हो जाया करती थी। यानी पीईवी की बैठकें सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होती थी। खुंटे ने ईडी के सामने स्वीकार किया है कि देशमुख पद व हैसियत में उनसे बड़े थे, इसीलिए उनका आदेश मानना उनकी बाध्यता होती थी। बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग में हस्तक्षेप का यह मामला भी पिछले वर्ष मार्च में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने ही देशमुख के खिलाफ उठाया था। इसमें उन्होंने राज्य की पूर्व खुफिया प्रमुख रश्मि शुक्ला की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाए, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।